दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों एक अपडेट लगाई गई है, खुशखबरी, कर्मचारी अपनी मर्जी से बढ़वा सकेंगे मंथली सैलरी, सरकार ला रही नया कानून। आपकी टेक होम सैलरी जल्द बढ़ सकती है, सरकार इसके लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2019 बिल लाई है, कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है, इस हफ्ते बिल को संसद के पटल पर रखा जा सकता है। इस बिल में कामकाजी लोगों को अपना भविष्य निधि यानी पीएफ कोष में योगदान घटाने का विकल्प दिया गया है। अगर यह बिल संसद में पारित हो जाता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इस नियम को नोटिफाई कर देगा। इसके बाद कर्मचारी पीएफ में कटने वाले हिस्से को कम कर अपनी सैलरी बढ़ा सकेंगे। वर्तमान में कर्मचारियों के मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ के रूप में काटा जाता है। कंपनी को भी मूल वेतन का 12% रकम ईपीएफओ में जमा करना होता है, लेकिन इस रकम का 8.33% ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में चला जाता है। अब सोशल सिक्योरिटी बिल 2019 में कर्मचारियों वाले हिस्से को घटाने का प्रस्ताव किया गया है। नए बिल के मुताबिक कर्मचारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी इच्छा से चाहें तो पीएफ के लिए कम राशि कटवा सकते हैं। मतलब यह है कि कर्मचारी अपना हिस्सा 12% से कम कटवा सकेंगे। दोस्तों इससे कर्मचारियों को फायदा और नुकसान दोनों ही हो सकते हैं। दोनों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। क्या होगा फायदा, जानकारों को कहना है कि भविष्य निधि के हिस्से में कम रकम जमा करने से कर्मचारियों को हाथ में अधिक सैलरी आएगी। यह रकम भविष्य निधि में कम कटौती करने से मिलेगी। सरकार की योजना इस तरह के बदलाव कर आम लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा देना है। इससे नौकरी पेशा वर्ग को खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, इससे बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था की सुस्त रफ्तार को तेज करने में मदद मिलेगी। ऐसा करने से क्या होगा नुकसान, पीएफ में कम रकम जमा करने से फौरी तौर पर कर्मचारी को महीने के अंत में मिलने वाला वेतन बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन इसके चलते रिटायरमेंट में कमी आएगी। ऐसा इसलिए कि जब पीएफ में अधिक रकम जमा होता है तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला फंड काफी बड़ा होता है, इसके साथ ही उस पर मिलने वाले पेंशन की राशि भी अधिक होती है। लेकिन पीएफ में कम रकम जमा करने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फंड पर असर पड़ेगा, कम अंशदान होने पर रिटायरमेंट फंड भी कम होगा। दोस्तों यहाँ पर देखें तो फायदा और नुकसान दोनों ही है। देखे जाए अगर तो कर्मचारियों का ही पैसा कर्मचारी को दे दिया जाएगा, अगर पहले ले लेंगे कर्मचारी तो उनके रिटायरमेंट में फंड जो इकट्ठा होता है वो कम हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको क्या लगता है, सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए, और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।